शैला रजा साहिबा सीनियर सियासतदान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। शैला साहिबा, ये कैसे करारदाद पेश हो गई, कैसे मंजूर हो गई? इसमें तो ये भी मैं देख रहा था, आज न्यूज़ की ये भी खबर है कि जी आपके लोग पीपल्स पार्टी ने भी, जो सेंटर्स मौजूद थे उन्होंने भी हिमायत कर दी इसकी। तो 14 सेनेटर्स जी, और सिर्फ 14 सेनेटर्स वहां मौजूद थे, तो कोरम भी पूरा नहीं था जी। और उसमें अफनान ने भी मुखालफत की, कुछ एक दौर ने भी की, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक वाजा आर्टिकल के सामने इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी फौरन वजाहत की गई कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। जहां तक बात है पीपल्स पार्टी के जो हैं, तो उनके लिए शरी रहमान साहिबा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी जी, तो उन्होंने कहा जरूर देखेंगे कि उन्होंने हिमायत की है या नहीं, और पार्टी फिर उनको पार्टी को वो आंसरेबल होंगे। तो ये सब चीजें होती है, सम टाइम आपका मेंबर जो है वो अपने इलाके की वजह से कुछ फैसला कर देता है और बात कर लेता है, लेकिन पार्टी जाहिर है कि चेयरमैन आज लाहौर में उन्होंने खवातीन की जलसे से खिताब किया है और अपनी कैंपेन चला रहे हैं, और हम भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं, तो हमें तो कहीं से ये इत्तला भी नहीं सुननी अच्छी लगती कि इलेक्शन आगे जाएगा या कुछ इस